हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? अगेन आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक दैट इज टॉर्क स्पीड कर्व, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द टॉर्क स्लिप कर्व. नाउ टॉर्क स्पीड कर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड दिस इज लेक्चर नंबर 18 ऑन मॉड्यूल 3. नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट द टॉर्क स्पीड कर्व, we must know what is the formula for the torque. It is K, S, S is a slip, K is a constant, and the constant value is 3 upon 2 pi KS upon R2 square plus S X2 square. Now, we know that formula for the slip, it is synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed. Now, when the rotor speed is 0 at starting, जब रोटर आपका रोटेट नहीं कर रहा तो क्या होगा? जब nr आपका जीरो होगा, यहां पे आप वैल्यू पुट कीजिए, तो s की वैल्यू क्या आएगी? ns अपॉन ns इज इक्वल टू 1. तो स्लिप आपका सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस टाइम 1. नाउ दूसरी बार, और जब आपका रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा तब क्या होगा? nr इज इक्वल टू, जब ns हो जाएगा तो ns माइनस ns इज इक्वल टू 0 आएगा. तो यहां देखिए हमने क्या लिखा है. तो स्टार्टिंग पे जब स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे, यहां पे जब स्टार्टिंग टॉर्क होगी यहां पर, तो उस टाइम स्लिप की वैल्यू हमारी क्या है? 1. और जब वो सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगी nr इज इक्वल टू ns, तो हमारा स्लिप क्या होगा? 0. तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि s की वैल्यू यहां पे 1 है, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क पर. ओके, जब एस की वैल्यू 1 है, जब हमारा रोटर की स्पीड क्या है? 0. क्योंकि ये टॉर्क स्पीड कर्व है, तो ये स्पीड का एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये टॉर्क का एक्सिस है. स्पीड यहां पे 0 है, यहां पे स्पीड हमारा सिंक्रोनस के इक्वल है. तो जब स्लिप हमारा 1 है और यहां 1 से लेकर 0 तक जा रहा है, तो मैं दो पोर्शन में इस कर्व को डिवाइड कर देता हूं. एक में मान लेता हूं हाई स्लिप का वैल्यू यहां पे 1 से लेके 0.7 तक, और यहां पे 0.7 से लेके 0 तक मैं दूसरा कर्व. इस कर्व को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया. अब इस कर्व को मैंने समझना है, कैसे समझेंगे? केस 1, मैं कहता हूं हाई स्लिप है. अगर स्लिप की वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में एस हाई है, तो उसका स्केयर क्या होगा? और भी बड़ा होगा स्केयर. तो इसके कंपेरिजन में ये बहुत बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब एस x2 स्केयर इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑफ द r2 स्केयर. तो इसका मतलब मैं r2 स्क्वायर को इग्नोर कर दूंगा. मैंने r2 स्क्वायर को इग्नोर कर दिया. जब इसको मैंने इग्नोर किया, ओके, तो मेरा नीचे सिर्फ sx2 बचा. इसको सॉल्व करने के बाद ये बचा. अब बाकी सारे तो कांस्टेंट है. r2 भी कांस्टेंट है, e2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है. तो अब ध्यान से देखिए, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. इसका मतलब ध्यान से देखिए, जब स्लिप आपका 1 से लेकर 0.7 पे जा रहा है, डिक्रीज करेगा, तो टॉर्क, जब स्लिप आपका डिक्रीज करेगा तो टॉर्क क्या करेगा? बढ़ेगा. इसका मतलब टॉर्क हमारा बढ़ रहा है, पर स्पीड 0 से इंक्रीज हुई है स्पीड. देयरफॉर मैं कहूंगा इस पोर्शन ऑफ कर्व में क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ने से टॉर्क बढ़ रही है. और ये जो मैंने टॉर्क शो की है, ये स्टार्टिंग टॉर्क है. ओके, दूसरे पोर्शन ऑफ कर्व को कैसे समझेंगे? अब मैं कहता हूं यहां स्लिप की वैल्यू लो है, 0.7 से लेके 0 तक. तो लो पोर्शन ऑफ द स्लिप की अगर मैं बात करूंगा, तो आप ध्यान से देखिए, केस 2 में स्लिप की वैल्यू अगर यहां लो होगी, तो उसका स्केयर क्या होगा? मान लीजिए मैं 0.1 बात कर रहा हूं, 0.1 का अगर यहां 0.1 है, तो उसका स्केयर क्या होगा? 0.1 का स्केयर, दैट इज 0.01, इससे भी छोटा होगा. तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू को, बहुत ही छोटी होगी इस कंपैरेटिव टू r2 स्केयर. तो इसका मतलब sx2 स्केयर इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द r2 स्केयर. तो इसको इग्नोर कर देंगे. इसको मैंने इग्नोर कर दिया. ओके, तो जब इसको इग्नोर करेंगे इस फॉर्मूले में, तो सिर्फ r2 स्केयर बचेगा डिनोमिनेटर में. r2 से r2 कट जाएगा, ये बचेगा टॉर्क हमारा ks e2 स्केयर अपॉन r2. तो यहां से क्या पता लग रहा है? बाकी तो कांस्टेंट है सब. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो सिर्फ s बचा. यहां से पता लग रहा है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. अब स्लिप आपका जब कम होगा, तो टॉर्क भी कम होगा. अब टॉर्क आपका देख रहे हैं सेकंड पोर्शन ऑफ द कर्व में, यहां पर
टॉर्क आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब पर स्पीड तो बढ़ रही है आपकी, स्पीड बढ़ रही है, टॉर्क कम हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो ये चीज, तो ये हमारा था टॉर्क स्लिप कर्व। तो आप देख ही रहे हैं स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट करकर इसको दो पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया, केस वन और केस टू में लिया। इसी के पैदल अगर मैं टॉर्क स्लिप कर्व बनाऊं तो आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। अब ये कर्व मैं टॉर्क और स्लिप के बीच में बना रहा हूं ना। हमें पता है स्टार्टिंग में स्लिप हमारी जीरो होगी यहां पे वैल्यू, ठीक है। तो जब स्लिप जीरो होती है सबको पता है तो क्या होता है, स्पीड हमारी क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। स्पीड हमारी क्या होगी वहां पे, सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो टॉर्क भी जीरो होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, तो टॉर्क भी जीरो होगा। और जब टॉर्क भी जीरो होगा आप देख सकते हैं केस वन में, तो स्लिप की वैल्यू जब हमारी यहां पे केस वन हम लेंगे, स्लिप की वैल्यू लो है। ओके, यहां पे स्लिप की वैल्यू मैं लो लूंगा स्टार्टिंग में, और यहां पे जब लो होगी स्लिप की वैल्यू, इसका मतलब स्लिप जब इंक्रीज करेगा एस एक्स टू स्केयर इग्नोर करेंगे हम आर टू स्केयर। ओके, तो जब इसको हम इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास यहां पे, अगर आप ध्यान से देखें टॉर्क इज इक्वल टू के एस ई टू स्केयर आर टू अपॉन आर टू स्केयर। ओके, तो यहां से टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा है। तो इसको भी दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आएगा, पर केस टू में, यहां पे मैं केस टू की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिर यहां पे मेरा पॉइंट थ्री के बाद यहां पे स्लिप की वैल्यू मेरी जाएगी वन तक। तो जब मेरा स्लिप वन होगा, मैक्सिमम की बात हो रही है, स्लिप जीरो से लेके वन तक वेरी करता है। केस टू में मेरा स्लिप अब पॉइंट थ्री से मान लीजिए वन तक जा रहा है, तो अब जो एस एक्स टू स्केयर है मेरा वो बड़ा होगा बहुत एज कंपेयर टू आर टू स्केयर। तो जब उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, के एस ई टू स्केयर आर टू अपॉन एस एक्स टू स्केयर। ओके, तो यहां से जब हम कैंसिल कर देंगे तो टॉर्क क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो ये हमारा कर्व बनता है। तो यहां पे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा है, दो पोर्शन ऑफ द कर्व हमने सीखे। तो ये हमें समझ आ रहा है यहां पर, यह है टॉर्क स्लिप कर्व। और ये है हमारा टॉर्क स्पीड कर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी मच। थैंक यू सो मच।